हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, ये वीडियो है किनेसियोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स से। दोस्तों, जैसा कि आपको नोटिफिकेशन पूरी डिटेल में निकल चुका है, आपके पास टाइम भी कम है, सीट भी कम है और सब्जेक्ट के मुताबिक। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा तबीयत ख़राब हो जाने के कारण मैं कल वीडियो अपलोड नहीं कर पाई थी। तो दोस्तों, आपका EMRS BPSC दोनों एग्जाम लगा हुआ है, तो इसके लिए मैं डेली बेसिस पे दो दो वीडियो अपलोड कर रही हूँ। तो समय नष्ट न करते हुए चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है, सेजिटल तल शरीर को बांटता है। सेजिटल तल, जैसे कि हमारा शरीर में टाइप ऑफ प्लेन यानी तल तीन प्रकार के होते हैं, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल। सेजिटल को लेटरल या मीडियल प्लेन भी कहते हैं। यह शरीर को सेजिटल प्लेन जो है दाएं बाएं भागों में बांटता है और गति जो होती है आगे पीछे होती है, यानी फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट होता है सेजिटल प्लेन में, याद रखिएगा। तो यह शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटती है। ऑप्शन नंबर CD यहाँ पे राइट होगा, ठीक है। एंड फ्रंटल प्लेन जो होती है जिसे क्रोनल या एंटीरियर पोस्टीरियर प्लेन कहते हैं, और क्रोनल फ्रंटल प्लेन जो है शरीर को आगे पीछे बांटती है और गति जो है दाएं बाएं होती है, यानी एबडक्शन एडक्शन मूवमेंट। और तीसरा होता है आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसे ट्रांसवर्स प्लेन कहते हैं, यह शरीर को ऊपर नीचे भागों में बांटती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर यांत्रिकी निम्न में से किसे आंतरिक बल के रूप में माना जाता है? Which of the following is considered as an internal force in body? तो इंटरनल फोर्स में आपका आंतरिक बल के रूप में हमारा मांसपेशीय बल कार्य करता है। एंड बाह्य बल में हवा का प्रतिरोध, गुरुत्वाकर्षण बल एंड आदि क्रियाएं होती हैं, ठीक है। एंड दोस्तों, ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, अब केवल क्वेश्चन के आंसर देने में मैं ज़्यादा टाइम लगाऊंगी एंड एक्सप्लेन करने में नहीं, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत कम है। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की प्रैक्टिस कराने की कोशिश करूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी चलने और दौड़ने की घटनाओं में त्वरण और उसके बीच सीधा संबंध है। तो दोनों के बीच क्या संबंध है दौड़ने और चलने की घटनाओं में? तो यहाँ पे शरीर के कोर से मतलब है, ठीक है। शरीर के कोर से यानी सभी चलने और दौड़ने की घटनाओं में त्वरण और शरीर के कोर के बीच सीधा संबंध होता है। रनिंग की विशेषता उच्च शिखर बलों और लघु संपर्क समयों से होती है, जबकि चलना कम शिखर बलों और लंबे समय तक संपर्क समय की विशेषता होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपर एक्सटेंशन तब होता है जब एक्सटेंशन का कोण कितना के ऊपर उतना होता है? तो दोस्तों, जैसे कि आप एबडक्शन किए, मतलब अपने बाह को बगल में फैलाए, अगर उसको एकदम ऊपर अपने बाह को उठा देते हैं तो वहाँ पे हमारा डेल्टॉइड मसल्स काम करता है, क्वेश्चन आया हुआ था। लेकिन तो एक सीमा से 90 अंश तक किए तो आपका एब्डक्शन हो गया, और ये एकदम ऊपर उठा दिए तो 180 अंश तक हो जाता है हाइपर एक्सटेंशन में। तो यहाँ पे 180 डिग्री आपका राइट हो जाएगा, 180 डिग्री राइट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शरीर का कौन सा प्लेन शरीर को ऊपर नीचे हिस्सों में विभाजित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेन ऑफ द बॉडी डिवाइड इनटू अपर एंड लोअर पार्ट्स? तो अभी जस्ट में बताई हूँ, सेजिटल, फ्रंटल, हॉरिजॉन्टल तीन प्लेन होते हैं। सेजिटल शरीर को दाएं बाएं भागों में बांटता है, गति आगे पीछे होती है, फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट। एंड फ्रंटल प्लेन शरीर को आगे पीछे बांटती है, गति दाएं बाएं होती है, जैसे एब्डक्शन एडक्शन। और तीसरा होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन जिसे ट्रांसवर्स प्लेन भी कहते हैं, जो शरीर को ऊपर नीचे बांटती है। तो राइट हो जाएगा इसमें ट्रांसवर्स प्लेन, क्या हो जाएगा? ट्रांसवर्स प्लेन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीन बॉडी मास है यानी LBM, जिसका फुल फॉर्म है लीन बॉडी मास। तो व्हाट इज लीन बॉडी मास? तो लीन बॉडी मास जो है मांसपेशियों, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक है, ठीक है। यानी लीन बॉडी मास मांसपेशी, हड्डी और शरीर के अन्य गैर वसा ऊतक है, यानी दुबला शरीर द्रव्यमान की गणना कुल शरीर के वजन
और शरीर में वसा के वजन के बीच अंतर के रूप में की जाती है या अधिक वसा को छोड़कर सब कुछ के वजन का रूप में स्वस्थ माने जाने वाले लीन बॉडी मास की सीमा लगभग 70% होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीवा संधि उदाहरण है, यानी सर्वाइकल ज्वाइंट इज एन एग्जांपल। तो दोस्तों जो हमारे गर्दन की संधि होती है वो किसका एग्जांपल है, तो ये हमारा हो जाएगा पीवट ज्वाइंट। क्या हो जाएगा? पीवट ज्वाइंट, जिसे हम धुराग्र संधि भी कहते हैं। इसमें सिर्फ रोटेशन मोमेंट होता है, एक हड्डी का सिरा दूसरी हड्डी के नुकीले सिरे पर घूमता है, ठीक है। यहाँ पे सिर की गति एंड रेडियस अल्ना हड्डी के ऊपर, रेडियस हड्डी अल्ना हड्डी के ऊपर प्रोनेशन एंड सुपेनेशन जैसी घूर्णन गति करती है, तो ये भी आपका पीवट ज्वाइंट में आ जाएगा। जैसे कि ज्वाइंट से हमारा तीन प्रकार के होते हैं, चल संधि, अचल संधि, अर्धचल संधि। जिसमें से चल संधि जो है छह प्रकार की होती है, जैसे कि ग्लाइडिंग ज्वाइंट, जिसे फिसलने वाला ज्वाइंट कहते हैं, जो इसे कार्पस एंड टॉर्सस ज्वाइंट होता है। दूसरा होता है बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट, जिसे कंदुक खलिका संधि कहते हैं। इसमें एक हड्डी का सीजा दूसरी गोल सीजा में फंसा रहता है, सभी दिशाओं में गति होती है, जैसे हमारा शोल्डर ज्वाइंट एंड हिप ज्वाइंट। और तीसरा होता है चल संधि में हिंज ज्वाइंट, जिसे हम कब्जा संधि, कोर संधि भी कहते हैं, जिसमें एक तल में गति होता है, जिसे दरवाजा एक तरफ खुलता है, जैसे नी ज्वाइंट, एल्बो ज्वाइंट एंड उंगलियों का जोड़ और जबड़ों का जोड़। चौथा होता है कॉन्डिलर ज्वाइंट, जिसे इथुलक संधि भी कहते हैं, इसमें दो तल में गति होती है, जैसे कि हमारा रिस्ट ज्वाइंट यानी कलाई का जोड़। पांचवा धुराग्र संधि पीवट ज्वाइंट, जिसे खूंटी संधि या इस होता है, जैसे हमारा गर्दन का जोड़। छठवां होता है सैडल ज्वाइंट, जो परस्पर आदान प्रदान करने वाली संधि होती है, ये किसी भी दिशा तल में गति होती है, जैसे हमारे अंगूठे का प्रत्येक उंगली के सामने जा सकता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती। तो दोस्तों यहाँ पे कोहनी संधि द्वारा कौन सा गति नहीं की जा सकती, तो यहाँ पे जैसे कि फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, अधोवर्तन हो सकता है, बट ठीक है, बट आपका रोटेशन नहीं हो सकता, कोहनी संधि में रोटेशन नहीं हो सकता। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेटरल एपिकोंडिलाइटिस के रूप में भी जाना जाता है, आल्सो नोन एज लेटरल एपिकोंडिलाइटिस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो एपिकोंडिलाइटिस किसके रूप में जाना जाता है, तो दोस्तों ये जाना जाता है टेनिस एल्बो, किसके रूप में, टेनिस एल्बो के नाम से जाना जाता है, क्योंकि कोहनी में सबसे आम अतिप्रयोग सिंड्रोम यानी ओवरयूज इंजरी है एक प्रकार से। यह एक टेनियोपैथी की चोट है, जिसमें अग्र पार्श्व की मांसपेशियों का विस्तार होता है। ये मांसपेशियां सिस्टल ह्यूमरस के लेटरल एपिकोंडिलर क्षेत्र पर उत्पन्न होती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई अति प्रेरित खिलाड़ी शारीरिक गतिविधि की मदद से तेजी से अपना वजन कम करने की कोशिश करता है, तो इसके परिणाम स्वरूप मांसपेशी में किसमें कमी आ जाती है, तो इस कंडीशन में मांसपेशी में द्रव्यमान की कमी आ जाती है। किसकी कमी आ जाती है, द्रव्यमान की यानी कि मास की, ठीक है, द्रव्यमान की यानी कि मास की। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतुष्टि के नियम का संबंध किससे है, जैसा कि आप जानते हैं लॉ ऑफ सेटिस्फैक्शन एंड लॉ ऑफ रेडीनेस एंड लॉ ऑफ एक्सरसाइज, यानी कि तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम। थर्ड राइट ने तीन मुख्य नियम दिए हैं सीखने का, जिसमें से संतुष्टि का नियम, संतोष असंतोष का नियम को हम प्रभाव का नियम के नाम से भी जानते हैं। तो प्रभाव का नियम यहाँ पे लॉ ऑफ इफेक्ट आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक उत्थान बल जो उच्च दबाव क्षेत्र से निम्न दबाव क्षेत्र की तरफ निर्देशित होती है, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों इसे हम सब कहते हैं मैग्नस बल, ठीक है, क्या कहते हैं, मैग्नस बल। यानी एक उत्थान बल जो उच्च दबाव क्षेत्र में निम्न दबाव क्षेत्र की तरफ निर्देशित होता है, मैग्नस बल कहलाता है। यदि कोई बेलनाकार या गोलीय ठोस वस्तु किसी तरफ
तरल में डूबकर चक्रण कर रही हो, तरल तथा चक्रण कर रही वस्तु के बीच आपेक्षित गति हो, तो उस वस्तु पर किनारे की तरफ एक बल उत्पन्न होता है। इस प्रभाव को मैग्नस प्रभाव कहते हैं। मैग्नस प्रभाव के कारण ही सर्व की गई टेनिस की गेंद वक्र बनाती है, याद रखिएगा। एंड मैग्नस प्रभाव के कारण ही जब खिलाड़ी दौड़ता है ट्रैक पे तो बायां तरफ झुकता है, ये भी याद रखिएगा। एंड नेक्स्ट है, प्रक्षेपित केंद्र के द्वारा तय किया गया लंबवत मार्ग है, तो वो है आपका प्रक्षेप पथ। लंबवत मार्ग क्या है? प्रक्षेपित केंद्र द्वारा तय किया गया लंबवत मार्ग है। यहां से मान लीजिए आप कोई चीज प्रक्षेप कर रहे हैं, फेंक रहे हैं, तो ये क्या है? एक प्रक्षेपित पथ बन गया। ये क्या है? प्रक्षेपित पथ बना, ठीक है, जैसा कि आप समझे होंगे। नेक्स्ट है, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम इस रूप में भी जाना जाता है। तो न्यूटन ने तीन नियम दिए हैं, गति का प्रथम नियम जिसे हम जड़त्व का नियम कहते हैं, एंड जड़त्व का नियम, जड़ता का नियम, अकर्मण्यता का नियम, लॉ ऑफ इनर्सिया, गैलीलियो का नियम आदि नामों से जाना जाता है। और दूसरा नियम होता है गति का संवेग का नियम, त्वरण का नियम, लॉ ऑफ मोशन, एक्सीलरेशन, मोमेंटम, बल के प्रतिफल का नियम जाना जाता है। तीसरा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, या एक्शन रिएक्शन, या काउंटर फोर्स लॉ ऑफ, या रेसिप्रोकल एक्शन। तो यहाँ पे द्वितीय नियम कौन सा हो जाएगा? संवेग का नियम, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह बिंदु जिस पर शरीर के सभी तल मिलते हैं क्या कहलाता है? तो दोस्तों, जहाँ पे शरीर के सभी तल मिलते हैं उसे कहा जाता है कार्डिनल बिंदु, या सीजी पॉइंट बोला जाता है। कार्डिनल बिंदु या सीजी पॉइंट, यानी सेंट्रल ग्रेविटी पॉइंट बोला जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट भरण निम्न में से प्रभावशाली है। कार्बोहाइड्रेट लोडिंग इज इफेक्टिव इन विच ऑफ द फॉलोइंग? दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट लोडिंग ज्यादातर एंड्योरेंस वाले क्रियाओं में अधिक प्रभावशाली होती है, तो यहाँ पे राइट हो जाएगा लंबी अवधि की क्रिया, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट भरण लंबी अवधि की क्रिया में प्रभावशाली है। कार्बोहाइड्रेट और कार्बोहाइड्रेट लोडिंग, अधिकांश उच्च धीरज एथलीट्स कार्बोहाइड्रेट लोडिंग को कार्यक्रम के कुछ दिन पहले पोषण कार्यक्रम के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट लोडिंग संग्रहित मांसपेशियों ग्लाइकोजन में वृद्धि करके उत्पादन वृद्धि के उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथ ही दीर्घकालिक प्रदर्शन में भी यह सुधार करता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, शारीरिक क्रिया आधारभूत रूप से एक है, तो क्या है दोस्तों? फिजिकल एक्टिविटी बेसिकली क्या है? यह एक जैविक आवश्यकता है। शारीरिक क्रिया क्या है? एक जैविक आवश्यकता है, यानी फिजिकल नेसेसरी है, नेसेसिटी है, ठीक है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल एंड सॉकेट प्रकार का जोड़ है। तो दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, जो जॉइंट्स होती हैं, यूनिएक्सियल, बाईएक्सियल, मल्टीएक्सियल, यानी कि यूनिएक्सियल एक एक्सिस में गति, जैसे कि हमारा एंकल जॉइंट टखने का जोड़ हो जाता है। बाईएक्सियल जैसे दो एक्सिस में गति होती है, जैसे कि हमारा कलाई का जोड़ होगा। मल्टीएक्सियल जॉइंट यानी कि दो से अधिक, यानी तीन एक्सिस में या कई एक्सिस में अक्ष में गति होती है, जैसे हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट होती है। तो बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट क्या है? ये हिप एंड शोल्डर दोनों आता है इसके अंतर्गत। यह एक ध्रुवी यानी वन पोलर डाईपोलर नहीं होगा, क्या होगा? त्रिध्रुवी यानी कि मल्टी एक्सियल प्रकार का यह ज्वाइंट है, बाल एंड सॉकेट ज्वाइंट यानी थ्री पोल ज्वाइंट आपका राइट होगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से एक स्थूलवत जोड़ का बेहतरीन उदाहरण है। तो एक स्थूलवत जोड़ का बेहतरीन उदाहरण कौन है दोस्तों? तो स्थूलक संधि किसे कहा जाता है? तो कॉन्डिलाइट ज्वाइंट को भी स्थूलक संधि कहा जाता है। अभी मैं जस्ट बताई हूँ कि कॉन्डिलाइट ज्वाइंट को स्थूलक संधि भी कहा जाता है। तो यहाँ पे क्या आपका राइट होगा?
तो यहाँ पे कार्निलायर ज्वाइंट दोनों तल में गति होती है, तो यहाँ पे कलाई यानी रिस्ट ज्वाइंट आ जाएगा आपका, कलाई का ज्वाइंट यानी रिस्ट ज्वाइंट, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से उत्तोलक में बल आधार तथा प्रतिरोध के बीच होता है? तो कौन बीच में है? बल बीच में है, बल बीच में है यानी कि फोर्स बीच में है, तो एफ ए आर 312, तो एफ के नीचे कौन है? फोर्स के नीचे 3, यानी कि जो फोर्स है बल है वह बीच में होता है तीसरे प्रकार के उत्तोलक में, एंड ए के नीचे 1 है यानी एक्सिस जो है प्रथम प्रकार के उत्तोलक में बीच में होता है, आर के नीचे 2 है यानी कि जो रेसिस्टेंस यानी भार है द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में बीच में होता है, तो यहाँ पे बीच में बल है आधार और प्रतिरोध यानी कि एक्सिस एंड रेसिस्टेंस के बीच, तो यहाँ पे तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा, तृतीय प्रकार का उत्तोलक हो जाएगा। हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा अयांत्रिक लाभ होता है तृतीय प्रकार के उत्तोलक से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं में निम्न या केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण उनकी गति को बनाता है, तो क्या बनाता है? तो उनकी गति को बहुत स्थायी बनाता है निम्न केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि उनका जो सेंट्रल ऑफ ग्रेविटी पॉइंट होता है पुरुषों से नीचे होता है, तो उनके संतुलन वाले क्रिया को बहुत अच्छा बनाता है, तो यहाँ पे बहुत स्थायी आपका राइट हो जाएगा यानी वेरी स्टेबल। नेक्स्ट है, एफ एफ पी एस में बल का मात्रक है, तो एफ एफ पी एस में बल का मात्रक क्या है? एफ एफ पी एस का मतलब होता है फूट पाउंड सेकेंड, फूट पाउंड सेकेंड, एफ एफ पी एस का मतलब होता है फूट पाउंड सेकेंड, तो यहाँ पे एफ पी एस पद्धति में बल का मात्रक जो होता है वो होता है पाउंडल, याद रखिएगा पाउंड मत करिएगा क्योंकि एफ पी एस का मतलब होता है फूट पाउंड सेकेंड, एंड सी जी एस पद्धति में CGS का मतलब होता है सेमी ग्राम सेकेंड, CGS पद्धति में बल का मात्रक डाइन होता है, एंड एक होता है MKS पद्धति में भी पूछता है, तो MKS पद्धति का मतलब होता है MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड, इसका MKS पद्धति में बल का मात्रक किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है दोस्तों, गति विज्ञान के जनक हैं, तो आप सबको पता है किनेसियोलॉजी के जनक है अरस्तु, कौन है? अरस्तु। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होता है, तो प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन किसमें होता है? प्रोट्रैक्शन मतलब शोल्डर को वापस आगे लाना और रिट्रैक्शन मतलब शोल्डर जॉइंट्स को पीछे ले जाना, तो यहाँ पे किसमें होता है? शोल्डर्स में, यानी कि कंधे की जोड़ में प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होता है, कंधे की जोड़ में प्रोट्रैक्शन एंड रिट्रैक्शन होता है। एंड नेक्स्ट है, निम्न में से कौन बाल एंड साकेट संधि है? तो आपको समझ में आया होगा बाल एंड साकेट ज्वाइंट हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट्स होता है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा, शोल्डर ज्वाइंट यानी कंधे की संधि। एंड नेक्स्ट है, हेमेस्टिंग कर्ल किस लीवर का उदाहरण है? तो दोस्तों हेमेस्टिंग कर्ल जो है वह किस लीवर का उदाहरण है? यह तृतीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है, याद रखिएगा तृतीय प्रकार के लीवर का उदाहरण है हेमेस्टिंग कर्ल। जैसे कि दोस्तों जो हमारा हेमेस्टिंग कर्ल है हमारा जो एल्बो एक्सटेंशन है एंड एंकल फ्लेक्शन है, ये दोनों प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है, और सिर का आगे और पीछे झुकाना, वॉलीबॉल में स्मैश करना, वी सीटअप, ये आपका प्रथम प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है। द्वितीय प्रकार के उत्तोलक में आपका रेसिस्टेंस भार बीच में होता है, और द्वितीय प्रकार में आपका प्लांटर फ्लेक्शन, डिप्स या पुशअप, एंड जबड़े का खोलना बंद होना, एंड बास्केटबॉल वॉलीबॉल के में पंजे से जंप लेना, ये द्वितीय प्रकार का है। और तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आपका एग्जाम्पल हमारी बॉडी में आर्म फ्लेक्शन है, आर्म एक्सटेंशन होगा तो प्रथम प्रकार का हो जाएगा, आर्म फ्लेक्शन होगा तो तृतीय प्रकार का, एंड थाई फ्लेक्शन है, हेमस्ट्रिंग कर्ल है, घुटने का मुड़ना, सीटअप, हवा को ऊपर उठाना, ये तीनों ये सभी हो जाएंगे आपका तृतीय प्रकार के उत्तोलक। नेक्स्ट है दोस्तों,
कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना न्यूटन के किस गति के नियम का उदाहरण है? तो कुश्ती में विरोधी को ऊपर उठाना ये न्यूटन के प्रथम नियम का उदाहरण है। किस नियम का? प्रथम नियम का, यानी जड़ता का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ इनर्सिया बोलते हैं, का नियम का उदाहरण है। न्यूटन के प्रथम नियम में क्या है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहेगी, और गति अवस्था में है तो गति में ही रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसमें आपका नाव खेना, नाव जब तक वहीं पे रहेगी जब तक उसको कोई खेगा नहीं। स्प्रिंट दौड़ में स्टार्ट लेना, रोमन रिंग का प्रारंभ, हैमर थ्रो का प्रारंभ, कुश्ती के विरोधी को ऊपर उठाना, ये सभी न्यूटन के फर्स्ट लॉ का एग्जाम्पल है। एनडीटी में आपका है जैसे कि रॉकेट को वायुमंडल में प्रक्षिप्त करना, कुएं से पानी खींचना, ये आपका है द्वितीय प्रकार के गति के द्वितीय नियम का उदाहरण। एंड तीसरा में है जैसे कि तीसरा नियम के अनुसार क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, किसी वस्तु पर जितना बल लगाया जाता है उतना ही बल वस्तु हम पर भी लगाती है, इसी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। जैसे कि तैराक द्वारा पानी में आगे बढ़ना, यानी तैराक पानी को पीछे खींचता है, पीछे की तरफ धकेलता है तो वो आगे बढ़ता है। तो और वॉकिंग यानी पैदल चल, बंदूक चलने पर पीछे गिर जाना, गेंदों का ड्रिबलिंग करना, बॉल को दीवार पर फेंकना, ऊंची कूद में खिलाड़ी द्वारा नम सतह की जगह ठोस सतह चयन करना, ये सभी न्यूटन के थर्ड लॉ में है। ठीक है, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, तैराक शरीर की ऊष्मा को पानी में किस प्रक्रिया के द्वारा छोड़ते हैं? तो दोस्तों जो तैराक होते हैं शरीर की ऊष्मा को पानी में किस प्रकार छोड़ते हैं? चालन प्रक्रिया द्वारा। किस प्रक्रिया द्वारा? चालन प्रक्रिया द्वारा, यानी कि कंडक्शन, चालन प्रक्रिया द्वारा, यानी कि कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, संधि के साइनोवियल नामक तरल पदार्थ वाले स्थान के पास सूजन आ जाए तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं साइनोवाइटिस, क्योंकि हमारे जो दोनों दो हड्डी जोड़ते हैं आपस में, वहां पे एक द्रव पाया जाता है, जोड़ते हैं लिगामेंट्स के द्वारा, और वहां पे आपका गद्दे नुमा क्या कहते हैं उसे, उपास्थि यानी कॉटिलेज भी होता है, वहां पे तरल पदार्थ एक होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड यानी द्रव्य कहते हैं, जो हमारे हड्डियों को घिसने नहीं देता, लुब्रिकेट्स प्रदान करता रहता है, जिसे ज्वाइंट्स अच्छे से काम करते हैं। वहां पे कोई आपका सूजन या दर्द या कुछ चोट आ जाए उसे हम साइनोवाइटिस कहते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रक्रिया के दौरान संधि कोण में कमी आती है? तो कोण में कमी आना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? इसमें तो कोण में कमी आना किस प्रक्रिया के द्वारा यहाँ पे हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे राइट होगा फ्लेक्शन, जब आप मोड़ रहे हैं अपने कोहनी को तो क्या है आपके कोण में क्या है, कमी आ रही है, एक्सटेंशन में तो बढ़ रहा है, एब्डक्शन में भी बढ़ रहा है, ठीक है, और रोटेशन में भी, तो आपका ए राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, आई होप कि सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी, जो भी डाउट होगा कमेंट में बताइए, और डेली वीडियो पे डेली बेसिस पे आपको पास वीडियो जाएगा, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए, फॉर फॉर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जैसे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।